फ्रेंड्स, बहुत सारे लर्नर ये पूछते हैं कि आई एम यूज्ड टू या आई एम अकस्टम्ड टू या आई हैव अ हैबिट ऑफ, क्या इन सभी सेंटेंसेस में कोई फर्क है? तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि आई एम यूज्ड टू और आई एम अकस्टम्ड टू ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, यानी आप इनको एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन आई हैव अ हैबिट ऑफ उनसे अलग है। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि इसको कैसे यूज करना है। फ्रेंड्स, एक होता है लत पड़ जाना और एक होता है नॉर्मली आदत। फ्रेंड्स, अगर मुझे किसी ने पूछा क्या आप चाय पीते हैं और अगर मैं कहूँ मुझे चाय पीने की आदत है, तो इस सेंटेंस के लिए मैं कह सकता हूँ आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी। मैं ये भी कह सकता हूँ आई एम अकस्टम्ड टू टेकिंग टी, और यह भी कहा जा सकता है आई हैव अ हैबिट ऑफ टेकिंग टी। लेकिन जब मैं कहूंगा आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी या आई एम अकस्टम्ड टू टेकिंग टी, तो सामने वाला ये समझेगा कि मुझे चाय पीने की लत है या मैं चाय पीने का आदी हो गया हूँ, मुझे इसकी लत पड़ गई है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप कहेंगे आई हैव अ हैबिट ऑफ टेकिंग टी, तो इसका ये मीनिंग होगा कि मुझे चाय पीने की आदत है, यानी नॉर्मली मुझे इस चीज की आदत है। ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे उसकी लत पड़ गई है या मैं उसका आदी हो गया हूँ। तो फ्रेंड्स, एक होता है लत पड़ जाना, आदी हो जाना, यानी उसके बगैर काम नहीं चलता, तो वहां पर हम यूज करते हैं आई एम यूज टू प्लस जीरन या आई एम अकस्टम्ड टू प्लस जीरन। लेकिन जब आपको कहना हो कि आपको किसी चीज की आदत है लेकिन लत नहीं पड़ी है, या आप उसके आदि नहीं हुए हैं, या आप उसके मुरीद नहीं हुए हैं, या आप उसके आशिक नहीं हुए हैं, तो आप वहां पर यूज करेंगे आई हैव अ हैबिट ऑफ। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मुझे जूते पहनने की आदत है, आप यहाँ कहना चाहते हैं कि मुझे नॉर्मली आदत है, आपको ऐसा नहीं कहना है कि मुझे लत पड़ गई है या मैं उसका आदी हो गया हूँ, मैं उसका मुरीद हो गया हूँ, मैं उसका आशिक हो गया हूँ, आपको ऐसा नहीं कहना हो, तो आप कहेंगे आई हैव अ हैबिट ऑफ वियरिंग शूज। यहाँ पर आपके सेंटेंस का सेंस हुआ कि आपको नॉर्मली इसकी आदत है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कहते हैं आई एम यूज्ड टू वियरिंग शूज या आई एम अकस्टम्ड टू वियरिंग शूज, तो इस सेंटेंस का ये मीनिंग हुआ कि आपको जूते पहनने की लत पड़ गई है, या आप जूते पहनने की आदि हो गए हैं, या आप उसके मुरीद हो गए हैं, उसके बगैर आपका काम नहीं चलता। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप आई एम यूज्ड टू, आई एम अकस्टम्ड टू, आई हैव अ हैबिट ऑफ के बारे में समझे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा। नॉर्मली ये बात मैं नहीं बताता, आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि आई एम यूज टू के बाद एक जीरंड आना चाहिए, यानी अगर छोटा मैं कहूँ तो आई एन जी फॉर्म। लेकिन फ्रेंड्स, आई एम यूज टू के बाद आप इन्फिनिटू का भी यूज कर सकते हैं, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वे समझते हैं कि आई एम यूज टू के बाद सिर्फ जीरंड का ही यूज करते हैं। आप आई एम यूज टू के बाद इन्फिनिटू का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आई एम यूज टू के बाद जीरंड का यूज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए नॉर्मली हम सब यही जानते हैं कि हम जीरंड का ही यूज करेंगे, हम इन्फिनिटू का यूज नहीं कर सकते। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि आप इन्फिनिटू का यूज कर सकते हैं, हालांकि ऐसा चलन में नहीं है, यानी ना के बराबर लोग ऐसा करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसका यूज मैं आपको किताबों में दिखाऊं। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आई एम यूज टू के बाद आई एन जी फॉर्म का नहीं बल्कि इन्फिनिटू का यूज हुआ है, यानी वर्ब में आई एन जी नहीं है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसा ना करें, आप जीरंड का ही यूज करें, लेकिन मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि इन्फिनिटू का भी यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह कंसेप्ट शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।